हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में पीएचडी के लिए आवेदन किए गए थे। आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 28 जुलाई को होना था, लेकिन उसकी डेट चेंज की 18 अगस्त कर दी गई थी। उसको लेकर छात्र छात्राओं में संशय बना हुआ था कि एग्ज़ाम 18 अगस्त को होगा या नहीं होगा। इसी को लेकर स्टूडेंट्स डाउट में थे, क्योंकि दूर दराज के स्टूडेंट हैं, उनको ट्रेन में रिजर्वेशन भी कराना है, प्लस फेस्टिवल है 19 तारीख को, तो रक्षाबंधन से जस्ट एक दिन पहले ही एग्ज़ाम है, तो उसको लेकर भी परेशान हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट 18 अगस्त है और टाइमिंग क्या है, 11 से 1 बजे तक है। तो 1 बजे फ्री होंगे, अब ऐसा तो है नहीं 1 बजे जस्ट फ्री, 1 से 1.5 भी बच जाएगा, फिर निकलने में टाइम भी लगेगा, मीन्स उनका पूरा टाइम, और उस दिन भीड़ भाड़ भी ज़्यादा रहेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपना रिजर्वेशन अब करा सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि पेपर की कटिंग है, देखिए अभी वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, यहाँ पर हम पेपर की कटिंग के माध्यम से ही बता रहे हैं। कभी बाद में हमको बोलो कि आपने ऑफिशियल न्यूज़ बोलकर बताया था, तो यहाँ पर पेपर की कटिंग है, पेपर की कटिंग के माध्यम से हम बता रहे हैं। जैसे ही ऑफिशियल न्यूज़ आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो जैसा कि न्यूज़ है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा 18 को 55 विषयों के लिए परीक्षा देंगे अभ्यर्थी। 1500 सीटों के लिए 2 गुना फॉर्म आए हैं, मीन्स 3000 के आसपास ही आए हैं। 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आपकी परीक्षा होगी। 18 अगस्त को एग्जाम होगा और एडमिट कार्ड आपका प्रवेश पत्र 13-14 अगस्त तक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो 55 विषयों के लिए 8 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। 8 परीक्षा केंद्र में आईआईटी खंदारी है, जब आप खंदारी चौराहे पर उतरोगे तो स्टार्टिंग वहां से होकर फिर पूरा खंदारी कैंपस शुरू हो जाता है, आईआईटी खंदारी। जैसे ही आप गेट नंबर 6 से एंट्री लोगे तो अंदर की तरफ है, या 2 से भी लोगे डायरेक्ट फिर आप आईटी खंदारी चले जाओ, गार्ड साहब आपको बता देंगे। आईबीएस खंदारी, सेठ पद्मचंद जैन इंस्टीट्यूट, होम साइंस इंस्टीट्यूट गेट नंबर 3, मेन गेट गेट नंबर 2 है, सेठ पद्मचंद जैन गेट नंबर 5, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल, संस्कृति भवन और सेंट जॉन्स कॉलेज आपके 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का आपको पता ही होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 70 सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड 30 रिसर्च मेथडोलॉजी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कितने फॉर्म किस सब्जेक्ट में फिल किए हैं, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट का ब्यौरा है। 11 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डीन रिसर्च प्रोफेसर बीपी सिंह सर ने बताया है कि 11 विषय ऐसे हैं जिसमें 100 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे ज्यादा आवेदन एजुकेशन के लिए आए हैं। 73 सीट हैं जिसमें 336 फॉर्म आए हैं, टफ कंपटीशन है एजुकेशन वालों के लिए। वहीं हिंदी में 125 सीटें हैं, 254 फॉर्म आए हैं। यहाँ पर एक सीट पर 2 स्टूडेंट का मुकाबला है। राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में 65 सीट पर 218 फॉर्म आए हैं, यहाँ पर भी अच्छा खासा कंपटीशन है। इतिहास में 30 सीट पर 195, यहाँ पर और ज़्यादा कंपटीशन। फिजिकल एजुकेशन में 177 फॉर्म आए हैं, 85 सीट है, यहाँ पर भी एक तरह से एक सीट पर 2 का मुकाबला है। 151 सीट रसायन विज्ञान में है, हिंदी में 126 और भौतिकी में 117 सीटें हैं। तो ये तो रहा नोटिस की बात, अब कुछ और बातें देख लेते हैं। आपको आना कैसे है आगरा? आगरा में 4 से 5 रेलवे स्टेशन है, एक आगरा कैंट
राजा की मंडी, आगरा फोर्ट, ईदगाह, टूंडला, आप यहाँ पर उतर सकते हो, जिसको जहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। बात करें नज़दीक की, तो नज़दीक राजा की मंडी होगा। राजा की मंडी अगर आपकी ट्रेन नहीं रुकती है तो आप आगरा कैंट पर उतर सकते हो। आगरा कैंट से आपको, देखिए आप ऑटो बुक मत करना, लोकल किराए से आना। लोकल किराए से आओगे तो आपसे 20 रुपए लेंगे वाटर वर्क्स के लिए। आप नोट डाउन कर सकते हो एक रजिस्टर पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 150, 200, 300 रुपए नहीं दे सकते ऑटो वालों को। तो आप 20 रुपए में वाटर वर्क्स आ सकते हो, और वाटर वर्क्स से 10 रुपए या 15 रुपए यूनिवर्सिटी, अगर आपका खंडारी कैंपस है तो 15 रुपए लगेंगे, सीधा आपको खंडारी चौराहे पर उतार देंगे। 5 सेंटर खंडारी कैंपस पर ही है, 5 से 6, तो मोस्टली स्टूडेंट का यहीं जाएगा। जिसका सेंट जॉन्स जाए तो सेंट जॉन्स के लिए फिर अलग रास्ता है। तो आप इजीली आ सकते हो, कोई परेशानी होगी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आपको हमने अपना नंबर दिया है। बाई चांस कॉल रिसीव नहीं हो पाए लेकिन मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, आपके पास 10 दिन है। तो एग्जाम के लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट, तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड।